और तमाम ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि जल्द से जल्द राजीव आठा जी के दरवाजे पर पहुंचे। आइए आइए इस तरह नाटक शुरू करने से पहले हम सुनील जी को बुलाना चाहते हैं कि वो आपको नाटक के बारे में दो शब्द बताएंगे कि नाटक है क्या, हम लोग कहाँ से आए हैं। एक बार सुनील जी के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाइएगा। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित तमाम ग्रामवासियों, माताओं एवं बहनों, भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। मैं वाटर फॉर पीपल में फील्ड फैसिलिटेटर के रूप में कार्य कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाटर फॉर पीपल पानी की शुद्धता, स्वच्छता एवं साफ सफाई के ऊपर शिवहर जिला में कार्य कर रही है एवं लोगों को जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। आज आपके बीच, आपके गाँव में पटना नव्या कला मंच के कलाकार उपस्थित हैं, जो अभी कुछ ही क्षणों में अपने कला के माध्यम से, अपने नाटक के माध्यम से बताएंगे कि कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसलिए इस नाटक को आप बड़े ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि नाटक के अंत में आप लोगों से, नाटक से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिसका सही उत्तर देने वाले को वाटर फॉर पीपल के द्वारा सुनहरा उपहार दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नाटक। देखो देखो Hey,
सुनो भैया जीवन कथा। मनुष्य के अंदर दो आदतें होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी आदतें आपको स्वस्थ जीवन की तरफ ले जाती हैं और बुरी आदतें बीमारी की ओर, मृत्यु की ओर। गंदी आदतों का राजा है गंदेश्वर और अच्छी आदतों का राजा है जीवन, और इन दोनों के बीच हमेशा जंग छिड़ी रहती है। मनुष्यों की हर रोज की लापरवाही की वजह से गंदगी बढ़ने के कारण धरती पर धीरे धीरे बीमारी का रूप विशाल होता जा रहा है। इस वजह से मानव के अंदर का रक्षक जीवन, जो बीमारी से लड़ने में उनकी मदद करता है, अब कमजोर होता जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं जब गांव का गांव बीमारी से तबाह हो जाएगा। गंदेश्वर बीमारियों का राजा किसी को नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि मानव जीवन में इस बीमारी का रूप और विशाल हो, मनुष्यों को सचेत करना होगा, और इसके लिए हमें अपना एक प्रतिनिधि मानव लोक में भेजना ही होगा। मनुष्यों के बीच गंदगियों के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए जीवन लोग जीवन को चुनती है।
मैं जीवन, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि लोगों को खुद और दूसरों को साफ रहने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक करूंगा। गंदगी के खिलाफ जंग में मनुष्यों के साथ खड़ा रहूंगा। मैं जीवन, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं। इस तरह से आया जीवन, जीवन लोक से चलकर, इस तरह से आया जीवन, जीवन लोक से चलकर, स्वच्छता का पाठ पढ़ाने खुद से आगे बढ़ गए। हाँ तो भैया, ये तो हो गया जीवन लोक का हाल, पर पहले आइए जाने अपने गांव का हाल कि कौन है, कैसे कैसे बिहार। ले मुत का हमर डोली धले ला, ले दुगो अल्था ला लख। अरे क्या दिक्कत आ रही है, रे रे लेकर रे रे, रुक रुक, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। इका किया रे कका, जिलेबी छाना है कका, जिलेबी छाना है, मारेंगे। अरे कितना बार बोले कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, कौन किया रे? ये किया है, ये किया है। ए इधर आ इधर आ, ले इधर आ। मम्मी मार देने, मम्मी गए मम्मी, का किया रे? चलो भाई 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 भाई, मिट्टी लाओ भाई। अरे पैंट मत पहनो, हम भी पागले हैं, केकरा समझा रहे हैं? ये लेके माए बाप के समझाते समझाते थक गए हैं कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, हैं? साफ सफाई से रहिए, क्या ही सम्माने वाला है ज्ञानी का। अरे अरे ना ना, चुप 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 चुप, ना 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 ना, कुछ ना होगा गुड़िया के, कुछ ना कुछ ना, ना 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 ना, बाल बच्चा के तो कोई चिंते नहीं है, सब कुछ हम ही को करना है। बाल बच्चा के देखना है, घर का काम करना है, खाना बनाना है, सब हमरे माथे। ये नहीं होता है कि बेटी 10 दिन से बीमार है तो अगला डॉक्टर के दिखा दे, ना चल गए हैं पता नहीं कहाँ भोरे भोरे सैर सपाटा करने। अरे चुप, सब हमरे मिलकर मार दे तब सबके चैन मिलेगा। चुप 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 चुप, ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना, पता नहीं कहाँ चल गए। सुनिए सुनिए ना, कोई इंतजाम हुआ का? खाना बना? का खाना बनाए, खाना बनाए की सबके संभाले? 10 दिन से बेटी के देह बुखार से तप रहा है, वो चिंता नहीं है, खाना बना। अरे तो लक्ष्मणवा का कर रहा है? ना वो लड़का खिलाएगा, ना घर का काम देखेगा, खाली घर में बैठ के देह बनाएगा। देह बनाएगा? वो का देह बनाएगा, वो तो अपने भोरे से उल्टी करके पूरा घर के नहीं ले। हमरा तो समझ में नहीं आता है, माथा खराब हो गया है, एक बुखार के पसीना पोछे होकर उल्टी साफ करे कि खाना बनाए। अरे बोखरा खत्म हो गया है, रुक, हम तो पगला हो जाएंगे डॉक्टर को रुपया देते देते। अभी घर भी हमको डॉक्टर के नाम करना पड़ेगा, कोनो उपाय नहीं है, चुगला जी से इस बार सूद पर पैसा लेना ही होगा। वो सब हम कुछो नहीं जानते हैं, कर्जा लीजिए चाहे कुछो कीजिए, हमें बाल बच्चा के ठीक करिए बस। अरे तुम्हारा दिमाग तो बाद में खराब होगा, हमारा दिमाग तो अभी खराब हो रहा है, सब हम लोग शुरू हो रहा है। हां अरे क्या बैठे, क्या बैठे, ना बोले क्या बैठे, ले ले ले, हो रहा है, चाहिए तुम दोनों में बुद्धि बता रहा हूं।
जितना कुकरहो मचा के फैले रहेगा दिन रात, जितना कुकरहो मचाए में समय बर्बाद करता है उतना साफ सफाई रखता है, नौबत नहीं आता। हम जानते थे, चलो क्या कुकरों में जाके थले रहता है सब काका, अगल बगल के लोग सुनेगा तो क्या कहेगा? ये फुचका, ये फुचका, ये फुचका ले आता है फुचका, ए गोलप्पा भाई गोलप्पा, ये फूच 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 फुचका गोलगप्पा, ए बम्बे का फेमस गोलगप्पा भाई। अरे गावे गावे गली गली घूमे लियो चप्पा गोलगप्पा, 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 कीन ला लैका के माई बाप, गोलगप्पा कीन ला लैका के माई बाप। अरे दस रुपया के दस दस पीस है, जे नहीं खाया इसको किया खूबे मिस है, इमली के पानी मसाला झालदार है, खाए में कुरकुर बड़ा ही मजेदार है। अरे काकी कीने आवा संग ले आवा काका गोलगप्पा, गोलगप्पा, गोलगप्पा कीन ला लैका के माई बाप, गोलगप्पा कीन ला लैका के माई बाप। आइए बॉम्बे का फेमस गोलगप्पा लीजिए भाई गोलगप्पा। ये तो अलगे लैका सबके बीमारी के फैक्ट्री लेके घूमत रहता है भर गाँव, वही हाथे खैनी खाएगा, वही हाथे पसीना पोछेगा, वही हाथे नाक छिड़केगा, और फिर वही हाथे चोखा सान के गोलगप्पा में भर के बीमारी मुंह में ठूस देगा। आई जैसन ये अनहर सब खाए वाला आए, ये सब देख के तो माथा खराब होता है जी। आइए फेमस गोलगप्पा लीजिए। रे गोलगप्पा रे, अरे अरे गोल, अरे मटका रे, तू कितना समझा रे, पैसा दे रे, पैसा दे। अरे अब हमारा मुंह कहला टुकुर टुकुर देखते हैं, जो जाके ओकरा चुप कराओ। इसको क्या करें, फेंक दे, दस गो हाथ लगा ले दुर्गा माई बन जाए। अरे तो लगा ले दस गो हाथ और बन जो दुर्गा माई। मारे के पेहुदा रे, एगो शौचालय तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पांच रुपए का साबुन खरीदल पार नहीं लग रहा है, पांच बार साबुन से हाथ नहीं धोएंगे, चले हैं मूर्तिकार बनाने, ना वो दुर्गा बनाएंगे। ज्ञानी काका आप ही के कहना पर तो इतना गहरा चापाकल हलवाए थे एक साल पहले, ये देखिए बेटी बीमार ना हुई। अरे तो खाली चापाकल हलवा लेवे से होगा कि पानी ढकल ऊपर से ब्रह्मा जी आएंगे। अच्छा एगो बात बताइए जी, एगो साबुन कितना के देता है? कितना? पांच रुपए का साबुन ना किनेंगे, 5000 बीमारी में फूक देंगे। अब पानी निकाले ला टिशनी एगो नहीं किनल जाता है तुमको? हम ले आएंगे टिशनी। लिया ना, लेकिन उसका इस्तेमाल करना, तब असर दिखेगा, समझे? लो चलो चलो, देख लिए ना, 5 रुपए का साबुन नहीं किने, 5000 डॉक्टर में फूकने जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि साफ सफाई से रहिए, ध्यान दीजिए, चलो चलो। आई काका, हाँ तो भैया ये तो हो गया अपने गांव का हाल, पर पहले आइए देखें जीवन क्या करता है इसमें कमाल। पपेट वाला आया। हाँ भैया आपके गांव में आ गया है पपेट शो, क्या आप लोग देखने के लिए तैयार हैं? अरे बोलिए बोलिए। अरे क्या आप लोग, हाँ रंगीला रंगीली ये लोग देखने के लिए तैयार हैं? क्या तुम दोनों करने के लिए तैयार हो? तो भैया शुरू करो। अरे पहले म्यूजिक तो हो जाए। म्यूजिक वाले भैया म्यूजिक देना।
रहोगी का? 10 दिन हो गए अभी आके, अभी भर वो गप्पू नहीं हुआ है, हम तो बर्बाद हो गए उस्ताद। अरे कुछ बोलती उलती भी हो कि नहीं? बोल देंगे ना तो पूरा देखा खून सूख जाएगा। अरे बाप रे, अब क्या करोगे रंगीले? कब बोली है? अरे हम तो आबाद हो गए उस्ताद। अरे और बोलो। का बोले? 5 दिन तक खैला हो गया है। मुँह फुलाने वाली कौन सी बात है जानते उस्ताद? अरे हमारा घर में तो दूध थरिया कुकुर बिलाए खा जाता। अरे बोलते कि नहीं खाते है, हम तो बर्बाद हो गए ना उस्ताद। हाँ भाई। अरे बर्बाद तो हम हो गए उस्ताद। कैसे? इससे ब्याह करके। काहे? अरे साफ सफाई तो छोड़ ही दीजिए। हाँ? घर में एक शौचालय तक नहीं है। ये तो गलत बात है रंगीला। अरे पगली चलते उस्ताद। हाँ? अरे हमारा गांव घर में तो बहुत के घर में शौचालय नहीं है, और दो चार के घर में है तो लोग उपयोग नहीं करता है। उपयोग नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं बुझाता? अरे क्या पगली, अरे हम लोग तो और फैली रहता है उसका फैली। हाँ, तुमको कैसे दिक्कत बुझाएगा? तुमको तो खुले में शौच करने का आदत हो गया है। पता है खुले में शौच करने से पखाने पर मक्खियाँ बैठती है, और वही मक्खियाँ हमारे खाने पर बैठती है। का कीटाणु हमारे पेट में जाता है और हमें बीमार बनाता है। तुम भी बीमार पड़ोगे ना रंगीले, तब समझ में आएगा। बात समझ में आई रंगीले? हाँ उस्ताद, तनका समझ में नहीं, बहुत समझ में आ गया। जानते उस्ताद, अब तो हम अपने घर में शौचालय बनवाएंगे और इसका उपयोग भी करेंगे। अरे अब खुश रंगीली? बिल्कुल, अगर स्वस्थ रहना है तो अभी से सचेत हो जाओ। रंगीली तुम खुश हो गई? बहुत। देखिए भैया, रंगीली तो खुश हो गई रंगीला की बातों से, और रंगीला भी बात मान लिया कि हम खुले में शौच नहीं करेंगे, घर में शौचालय का उपयोग करेंगे। आप लोगों को भी यह बात समझ में आई कि खुले में शौच नहीं करना है। और एक बात और, 5 खास समय में साबुन का उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो भैया अभी हम जाते हैं और फिर से आएंगे आपको पपेट शो दिखाने। क्यों रंगीला, क्यों रंगीली, चला जाए? सुन लिया पूरा गांव। पर पहले आइए देखें जीवन के इन बातों का लोगों पर कितना पड़ा प्रभाव। कोई भी खुले में शौच नहीं कर रहा, लगता है सब लोग जागरूक होने लगे हैं, रंगीला रंगीली की बातों को मानने लगे हैं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुले में शौच करते हैं? अगर खुले में शौच करते हैं तो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे फैलती है तरह तरह की बीमारियां। इसीलिए आप सभी लोग सचेत हो जाइए। अरे आगे से हट जा, तू मत रहा खारा, और जोर से लागल बा हमारा के छारा। अरे लागल यार। जोर से लागल बा हमारा। अरे 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 तमाशा वाला यार, का भैया ये क्या कर रहे हैं आप? अरे धारा फिर रहे हैं। ये खुले में? तब बक्सा में फिरे। अरे जो आप खुले में करते हैं इससे फैलता है संक्रमण, और वो आप पे कर देगा आक्रमण। मल मूत्र पे जो मक्खियां बैठती है उससे तरह तरह के कीटाणु हमारे आसपास बैठ जाते हैं, और वो हमें बीमार करते हैं। अरे तमाशा दिखाने का काम है, तमाशा दिखाओ, ज्यादा फुल्स बुगनी अंग्रेजी मत बतिया, धारो नहीं फिरने देगा। अरे रुकिए, मुझे क्या करना चाहिए? लगता है मुझे जीवन लोक से बात करनी होगी।
मेरे बार बार समझाने के बावजूद लोग खुले में शौच करना नहीं छोड़ रहे, गंदा पानी पीना नहीं छोड़ रहे, पांच खास समय में साबुन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। मैं क्या करूं? तुम अदृश्य लोक के बासिंदा हो, इसलिए मनुष्य तुम्हारी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। तुम्हें उनके ही बीच के किसी समझदार और सजग व्यक्ति को अपना माध्यम बनाना होगा। तुम्हें किसी सजग और समझदार मनुष्य के भीतर समाहित होना होगा और अपनी शक्ति को प्रवेश कराना होगा। अवश्य अवश्य अवश्य। दुश्मन गंदेश्वर महाराज को बताना होगा। चलो चलो गंदगी फैलाओ, चलो गंदगी फैलाओ। दादा दादा बैठाना। गंदा गंदी बात बताओ, गंदी खबर सुनाओ। इस गांव के सभी लोग गंदे हाथों से खाना खा रहे हैं और साबुन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और गंदा और गंदा महाराज। गांव के लोग एकदम लापरवाह हैं, पानी को ढक के नहीं रखते हैं। मैं इसमें कूद के महाराज, इस गांव के लोग खुले में शौच करते हैं, चारों तरफ शौच ही शौच, पैखाना ही पैखाना। और गंदा महाराज। महाराज दुश्मन आया है। दुश्मन? जीवन। जीवन लोगों को समझाया है। क्या सफाई है? शौचालय की बात बताया है। तो फिर गंदे लोगों ने क्या कहा? गंदे लोगों ने कुछ नहीं कहा महाराज, वो तो और गंदा गंदा काम कर रहे हैं। और गंदा और गंदा 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 गंदा। मूर्ख जीवन, ये तो होना ही था। महाराज वो किसी मनुष्य में समाहित होने की बात कर रहा था। हमने जीवन लोक की पूरी बातें सुन ली महाराज। चल गंदेश्वर के साथ चल। बहुत अच्छे, तो सुन लो मनुष्य के रक्षकों, जीवन लोक के बासिंदो, मैं उनकी आदतों पर जीता हूँ, गंदी आदतों पर। आदत कैसे बदलोगे शत्रुओं? तुम्हारी हर चाल नाकाम होगी। अब मैं भी फेंकूंगा पासा, मैं भी ढूंढूंगा माध्यम, और मैं भी समाहित होऊंगा मानव शरीर में। सभी सावधान हो जाओ, अगर वो जीवन है तो हमारा नाम भी गंदेश्वर है। गंदगी का ईश्वर, गंदेश्वर। गंदा 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 गंदा। नाथ
हेलो 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 हाँ कौन हेलो हाँ 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 जी 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 प्रणाम 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 कहिए कहिए अरे का बात करते हैं महाराज ये काम कहे ना होगा अरे ये तो हमारा दाया बाया हाथ का काम है जी हाँ 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 अरे पहले जाति आवासीय तो भिजवाइए महाराज का बात करते हैं अरे हाँ 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 अरे हाकिम साहब से हम बात कर लेंगे ना हाँ बात कर लेंगे अरे हाकिम साहब जो है ना हमारा पर नाना के फूफा के मौसा के बेटा के भतीजा के मामू के चचेरा भाई के बेटा है आ ओकरा से जो है हमारा मौसी के बेटी के फुआ के ननद के बहन के चचेरी बहन का बेटी की शादी हुआ है ना हाँ तो अरे वो हमारे जीजा जी लगते हैं हाँ हाँ तो अरे काहे ना होगा काम पहले पैसा भिजवा दीजिए सबसे पहले पैसा भिजवा दीजिए कुछ मिठाइयाँ भी भिजवा दीजिएगा अरे लखन भाई का हुआ मुँह काहे लटकाए हो आओ बैठो ना हम बैठेंगे ना हुआ का 10 दिन से बेटी बुखार से तप रही है और आज बेटा चिंता है सुबह से ही कैदा शुरू हो गया रुके का ना भी नहीं ले रहा है डॉक्टर के पास नहीं ले गए अब गए थे डॉक्टर के पास डॉक्टर रुपया मांगता है रुपया मांगता है रुपया मांगता है हमरा कुछ मदद कर दीजिए अरे हमरा पास एक रुपया नहीं है लखन भाई ये देखिए कुछ नहीं ना, है ना, ऐसा जुलम ना कीजिए ना तो हमरा बेटा मर जाएगा हमरा बेटा मर जाएगा कहाँ फंसा है यार अरे उठिए 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 लखन भाई चुप हो जाइए हम बात करते हैं किसी से अभी आपके लिए बात करते हैं रुकिए रुकिए हेलो हेलो रामचंद्र भैया प्रणाम 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 अरे ये लखन भाई है ना हाँ पुरवारी टोला वाला उनकर बचवा बहुत बीमार है कुछ पैसा व्यवस्था करवा देते महाराज का 30% अरे गरीब आदमी है मर जाएंगे कुछ कम कर दीजिए महाराज का 20% हाँ रुकिए रुकिए 20% बोल रहे का बोले 20 ये तो बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है रामचंद्र भैया लखन भाई बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा है तो ठीक है हमसे ना होगा लखन भैया हम चलते हैं अपना काम धन देखेंगे कि हम आप में लगे ना 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 रुक जाइए हमको मंजूर है मंजूर है रुके रामचंद्र भैया हाँ हाँ अरे इनका मंजूर है हाँ हाँ लखन भाई को मंजूर है भेज रहे हैं पैसा दे दीजिएगा अंगूठा लगवा लीजिएगा जाइए लखन भैया रामचंद्र भैया को बोल दिए हूँ आपको पैसा दे देंगे आपका बहुत बहुत मेहरबानी हाँ जाइए जाइए हम अभी जाते हैं हमारा बेटा बच जाएगा आपका बहुत बहुत मेहरबानी हम अभी जा रहे हैं हम जाते हैं अभी हम जा रहे हैं हेलो अरे रामचंद्रा अरे रामचंद्रा आ सुन हमारे बात इनमें से 10% हमारे रख देगा समझा रहे हाँ और पिछला बार जो ग्राहक भेजे थे हाँ वहीं से भी 10% रख देगा तो कुल मिला के हो गया 20% हाँ ये आदमी को भेज देते हैं तो ये काम करवा देना तो ये वाला हो जाएगा 5% कुल मिला के हो गया 25% समझा हमारे पैसा रख देगा अरे क्या बात करता है हमारा काम आएगा ना अरे यही है मेरा शिकार अब मैं अपनी सारी घंटी शक्तियां इसी में समाहित करूंगा और इसे और गंदा बना दूंगा जीवन सोचता रह जाएगा ढूंढता रह जाएगा समझदार और सजग मनुष्य लेकिन मैंने ढूंढ लिया
और गंदा और गंदा और गंदा और गंदा 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 और गंदा गंदा और गंदा गंदा और गंदा गंदा और गंदा। ढूंढते ढूंढते थक गया हूं, पर कहीं नहीं दिखा कोई सजग और समझदार व्यक्ति। मैं हारा नहीं हूं, ना ही मैं थका हूं। मैं ढूंढ कर निकालूंगा कोई ना कोई एक सजग और समझदार व्यक्ति को। इन लोगों को समझने के लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा। ए बबुआ। हाँ हो। एने आबा। हाँ। अरे हाथे काहे पोछला इला गमछा ला ला जा एकरा में पावर गोबरो बांध जा पावर। हाँ जा। हे सामने साबुन रख ले तो साबुन से हाथ ही धोल जा रहा है। कितना बार समझाए। अरे एगो साबुन कितना के देता है जी बोलिए। एक बार और बोल दीजिए। सुना है 5 रुपया। हाँ तो साबुन से हाथ नहीं धोल जाता है। 10 को बीमारी पकड़ेगा, 4 इंच का सुई भोकाएगा और दर्द बांधेगा ना तब पता चलेगा। जाओ साबुन से हाथ धो। ससुरा जेहे खाएगा वही हक देगा और जेहे पिएगा वही नीप देगा। अब साबुन का देख रहा है। पानी लो। हाँ यही है वो सजग और समझदार व्यक्ति जिसके अंदर मैं अपनी सारी शक्तियां प्रवेश करा सकता हूं, जिसके माध्यम से मैं लोगों के बीच जा सकता हूं। अब धो लो। अब बाल्टी में डुबा दो। लोटा है ना, लोटा से निकालो पानी। हाँ सुनो। हाँ 5 बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। तोरा ए कहाँ जा रहा है? 5 बार साबुन से हाथ धोए तेरा के। तो अपने ही ना कह लिया कि 5 बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। अरे इन्हें 5 खास समय पे साबुन से हाथ धोना चाहिए। कब 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 कब? देखो खाना बनाने, खाने या परोसने के पहले, हाँ शौच से आने के बाद, बच्चे का मल मूत्र साफ करने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति या पशु को छूने के बाद, खांसने और हाँ बोलो इसके बाद भी साबुन से हाथ धोना चाहिए। हाँ। जब लगे ना कि हाथ गंदा है, हाँ। मने लगे कि हाथ गंदा है तब साबुन से हाथ धो लेना चाहिए। बुझे? हेलो जाओ गमछा धो के ले आओ। बबुआ, ए बबुआ, एने आओ एने आओ। अरे कुछ हुआ है का? अता तू डराइल कहला? हम डराइल कहाँ है? हमरा ठंडा ना लग रहा?
हमको डर नहीं लगता, हम जाए। हाँ जाओ जाओ। कुछ तो हुआ है जरूर, मुझे चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई पड़ रही है, बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया दिखाई पड़ रहा है। कुछ तो हुआ है जरूर। हाँ तो लो भैया, शुरू हो गया आगे का तमाशा। कौन मारता है बाजी और किसका चलता है पासा। काहे के लिए बुलाए हैं? हम कहाँ बुलाए हैं भौजी? तो कौन बुलाए हैं? हम नहीं बुलाए हैं। तो कौन? ज्ञानी काका बुलाए हैं। कहाँ है ज्ञानी काका? ज्ञानी काका को दो तो। प्रणाम प्रणाम काका। बैठो बैठो, बैठिए काका, प्रणाम, बैठिए बैठिए, बैठो बैठो, बैठो बैठो। कैसे हो ज्ञानी? हाँ ठीक है, बैठिए बैठा इनको डॉक्टर से दिखा देते हो जी। बिना चीर फाड़ के सफल ऑपरेशन हुआ है बर्गिनिया में। बैठो बैठो। हाँ ऑपरेशन। ए मंगरू इन्हें आओ इन्हें आओ। हमको बुला रहे हैं शादी में। अरे बैठो ना, बात करते ना, बैठो तुम बात कर। हाँ खुश रहो खुश रहो। हाथ देखे? हाथ? हाँ देखिए ना, बाप रे बाप, देखिए 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 कितना गंदा हाथ है जी। हैं यही गंदा हाथ से खाना खाएगा तुम? अभी पानी से हाथ धो के आए हैं। पानी से हाथ धो लिया, हाथ साफ हो गया, यही गंदा हाथ है खाना खाएगा और दस को बीमारी ठूसेगा। हैं जाओ बैठो। अरे अरे हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, देखिए ना कितना बढ़िया हाथ है। हैं बैठो, कुछ जरूरी बात बताने के लिए हम बुलाए हैं। ये क्या करेंगे जरूरी बात? नौकरी से रिटायर्ड आदमी आगे नाचना पीछे पगहा, हर दिन सबको बैठा के टाइम पास करते रहते हैं। ए चुगल चुप रहो, ज्यादा लुबलू मत करो। हम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हम कह रहे थे कि जो तमाशा वाला आया था ना, वो कह रहा था कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, पानी को ऊंचे स्थान पे ढक के रखना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए और पानी निकालने के लिए टिशनी का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ बुझ गए बुझ गए, टिशनी का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे पपेटवा वाला आया था ना, क्या हो गया? अब हम लोगों को हाथ धोना, खाना खाना, पैखाना करना सब तमाशा वाला से सीखना पड़ेगा जी। ना ना भाई, तमाशा वाला ज्ञानी जी महाराज यही कह रहे थे ना आप। चुप रहो, तुमको पता है कि शंभू की बीवी कैसे मरी? हाँ पता है कैसे मरी। अरे पेट दर्द से मरी का जी। पेट दर्द से मरी, उसकी लापरवाही के कारण मरी। डॉक्टर बोला उसको, और घर में साफ सफाई नहीं रखती थी इसलिए मरी। हाँ तो डॉक्टर का भगवान हो गया, ऊपरों वाला से ऊपर हो गया। अरे सब ऊपर से डिसाइड होके आता है कि कब किसको आना है और कब किसको जाना है, कैसे आना है और कैसे जाना है, समझे काजी? पीलिया, पीलिया हुआ था उसको, पीलिया। पीलिया? जॉन्डिस। जॉन्डिस? हाँ। अरे कविलाठ मत बनो, हाँ बहुत जानते हो ना, तो ये बताओ कि अल्सर का होता है, टाइफाइड का होता है, जॉन्डिस का होता है, बोलो बोलो। जॉन्डिस? हाँ जॉन्डिस होता है, आप बताइए ना ज्ञानी जी, आप बताइए। अरे तो हम कह रहे कि वो जो तमाशा वाला आया था। हाँ। अरे तमाशा तमाशा, ए निकलो जी, तमाशा दिमाग खराब किया है तमाशा। ए ए जाओ सब, अरे सुनो कुछ है ही ना इनको। अरे सुनो निकल जाओ आप लोग, जाइए सब लोग, हमरे गाय के चारा देना था। अरे अरे अरे
से समझाना पड़ेगा। खोला जूता निकल। अरे सुनो, अरे सुनो, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? तो तुम्हें क्या लगता है तुम इनको बचा लोगे? हाँ बचा लूंगा। गांव के लोग इतने बेवकूफ नहीं कि वो अच्छे और बुरे में फर्क ना समझे। वो अच्छाई को अपनाएंगे भी और समझेंगे भी। तो तुम इन्हें समझाने आए हो? मैं इनकी आदत हूँ, वर्षों पुरानी आदत। ये मुझे कभी नहीं छोड़ सकते, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। गंदा और गंदा गंदा, देखना चाहते हो ये मुझे कैसे और किस तरह प्यार करते हैं? गंदा और गंदा गंदा और गंदा, ये देखो गंदा और गंदा और गंदा, ये देखो अच्छी और गंदा 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 और गंदा और गंदा गंदा और 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 गंदा 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 गंदा। और देखना चाहते हो अब ये देखो गंदा और गंदा गंदा और गंदा 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 और गंदा और गंदा और गंदा और गंदा। तुमसे कुछ नहीं होगा जीवन, लौट जाओ लौट जाओ, कुछ नहीं होगा तुमसे, लौट जाओ। गंदा और गंदा गंदा और गंदा गंदा और गंदा और गंदा। जीवन
ज्ञानी काका के माध्यम से तुम लोगों को जागरूक करना चाहते हो। कभी नहीं होगा, जब तक लोग अपनी गंदी आदतें नहीं छोड़ेंगे तब तक मरेंगे। कहाँ गए ज्ञानी काका, कहाँ गए? बस बहुत हो गया चुगल, ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो। आज मैं तुम्हारा पर्दा फाश करके रख दूंगा। हाँ, जो मर गए उन्हें मैं वापस जिंदा तो नहीं ला सकता, लेकिन जो जिंदा हैं उन्हें ये जानना जरूरी है कि वो क्यों मरे, कैसे मरे और किस किस बीमारी से मरे, और ये बीमारी फैलती कैसे है और इसके कारण क्या है। हा, 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 मुझे फिर से देखकर आप सब हैरान मत होइए, मैं आप सबके भीतर रहता हूं, आपकी अच्छाई और आपकी अच्छी आदतों के रूप में। यही जीवन है और मैं वही जीवन हूं, आपकी अच्छाई और आपकी अच्छी आदतें। गंदा पानी पीने से पीलिया, हैजा, मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियां होती है, और जब हम खुले में शौच करते हैं तो उस पर जो मक्खियां बैठती है वो हमारे खाने पे आकर बैठती है और वो हमें बीमार करती है। इसीलिए आप सब लोग सचेत हो जाइए और खुले में शौच नहीं कीजिए। जीवन, तू क्या सोचता है, इन्हें ये सब दिखाकर बदल सकता है इनकी गंदी आदत? ये लोग बड़े गंदे में रहते हैं, गंदा खाते पीते हैं, गंदगी में रहते हैं, जिससे मुझे बल मिलता है, मैं और ताकतवर होता हूँ और तुझे तुझे और कमजोर कर दूंगा। अब तेरा खेल खत्म हो गया जीवन, गंदा 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 गंदेश्वर। आज तू नहीं बच पाएगा। जीवन और गंदेश्वर की लड़ाई में, इस नाटक में गंदेश्वर तो मारा गया, लेकिन हमारे आम जीवन में गंदेश्वर कभी नहीं मरता। वो तभी मरेगा जब तक हम अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ेंगे। तो भैया, बबुआ, बहने, जान ले और गांठ बांध ले। अगर स्वस्थ रहना है तो सचेत हो जाइए, अगर स्वस्थ रहना है तो सचेत हो जाइए। हम सबकी जुबानी, हमने तो अपनाया भैया, अब आप सबको है अपनानी। आपके गांव के कुछ लोगों ने अपनी सही समझ सूझबूझ का परिचय दिया है, स्वच्छता के आयामों को अपनाकर अपना एवं अपने पूरे परिवार को स्वस्थ बनाया है। इतना ही नहीं, स्वच्छता के लिए इन्होंने
कई दूसरों लोगों को प्रेरित किया है। इनके अच्छे व्यवहार और कार्यों को देखते हुए वाटर फॉर पीपल इन्हें आदर्श ग्रामीण के रूप में सम्मानित करती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है कि आप लोग हमारे नाटक से बहुत कुछ सीखे होंगे। चलिए आप कितना देखे कितना समझे ये सवाल जवाब में पता चल जाएगा। गंदी आदतों का राजा था उसका नाम बताना है, तो बताइए कौन कौन बताएंगे, हाथ उठाना है। जो अच्छी आदत का राजा था उसका नाम बताना है। अच्छी आदत जी। हेलो, जीवन लाल और गंदेश्वर जी बनाए रखिए। चलिए बताइए कब कब साबुन से हाथ धोना चाहिए। एक बार नाक से, नाक में साबुन। और जब कभी भी लगे कि आपका हाथ गंदा है तब साबुन से हाथ धोना चाहिए। पीने वाला पानी उसको निकालने के लिए हम लोग एक डंडा वाला ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, उसका हमने नाटक में नाम भी बताया है। तो बताइए कि उस बर्तन को हम लोग क्या कहते हैं। आने वाला वक्त हमको पानी लाना चाहिए और बर्तन जो होता है वो जो जग उग उसे भी पूरा साफ करके लाना चाहिए। और जब जब पानी लाने से पहले घर पर रखने से पहले उसे ढक के रखना चाहिए कि किसी पीलू और पता ही कुछ नहीं पड़ सकते। इसी भी किनारे भी हम हो सकते हैं उसी भी, और जब पी सकते भी फिर पानी पीने के बाद फिर हम गिलास के भी एक मरतब भी धो सकते हैं, फिर पानी के भी मैं तो पी सकते हैं। बताइए कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। खांसी, ठीक था, अपेंडिक्स। चलिए अपेंडिक्स रोग होता है, शौचालय है वो भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, कहते हैं कि कहीं भर गया तो। जिन लोगों को हम मंच पर आमंत्रित किए कृपया आप लोग मंच पर आ जाएं। तालियां बजती रहनी चाहिए, गंजूसी काहे करते हैं ताली बजाकर। वाह,